ओके सो ही गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेंड। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वीकली कर्फ्यू ई पास या फिर नाइट कर्फ्यू ई पास आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल सैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है दिल्ली गवर्नमेंट, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे चुका हूँ, डायरेक्ट आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है delhi.gov.in, क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं, तो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो आपको देख सकते, फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ई पास फॉर नाइट कर्फ्यू फॉर 10 PM to 5 AM एंड वीकली कर्फ्यू। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में आपको लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेकेंड में आपको हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको लैंग्वेज पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे, व्हाट डू यू नीड हेल्प विथ, सिंपल इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको देख सकते ई पास ट्रेवल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन के करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है। तो मैं फटाफट कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप करना है तो मैं नेम फटाफट टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम भी टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद आपको नेम वही नाम टाइप करना जो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड में सही हो, स्पेलिंग आपको मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको देख सकते एड्रेस और ऑफिस, तो यहाँ एड्रेस फिल करना है, तो मैं फटाफट एड्रेस फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस पे फिल कर दिया हूँ। इसके बाद हमें नीचे की तरफ करना है, टाइप्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अब किस लिए आप ई पास बनवाना चाह रहे हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे करना है, यहाँ पर देख सकते ई पास टाइप्स, आपको किस लिए आपको ई पास बनाना है, नाइट कर्फ्यू के लिए बनाना चाह रहे हैं या फिर वीकली कर्फ्यू पास बनाना चाह रहे हैं। तो मेरे को नाइट में तो सफ़र करना नहीं होता है, तो मेरे को वीकली कर्फ्यू पास बनाना है, तो सिंपल मैम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्म डेट सेलेक्ट करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद नीचे आना है, इसके बाद फॉर्म टाइम सेलेक्ट करना है, किस टाइम से किस टाइम के लिए चाहिए। तो सिंपल हमें जो चाहिए 11 बजे से पहले ही चाहिए, ऐसे तो 11 बजे PM सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर 12 AM PM सेलेक्ट कर देता हूँ, 12 PM to 12 PM सेलेक्ट कर दिया हूँ, 12 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ क्लिक करना है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो जब भी आप आईडी प्रूफ अटैच करेंगे, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी हो, तो आपको 4 MB के आसपास ही होना चाहिए। तो सिंपल मैं क्लोज फाइल पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद डाउनलोड क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें काफ़ी सारे यहाँ इमेज देखने को मिल जाएंगे, तो इमेज पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद पिक्स आर्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने एडिट करके रख रखा हूँ फोटो। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यदि शॉप है या फिर विजिटिंग कार्ड है या फिर लाइसेंस है शॉप का, कोई बिजनेस आप करते हैं तो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इसका सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अप्लाई हो चुका है, देख सकते योर अप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, योर ई पास रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे आ चुका है। आप स्टेटस चेक करना चाह रहे थे, सिंपल इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी सबसे पहले कॉपी करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसे स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ई पास देख सकते हैं करेंट स्टेटस में पेंडिंग दिखा रहा है। तो इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया हूँ, तो देखते हैं कब तक हमारा पास बनकर आ जाता है।